हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अपना कॉलेज और आज के शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स की तो प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी हमारे टेक्स्ट होता है ना उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं तो बेसिकली यार पिछले कुछ प्रोग्राम्स के अंदर मैंने आपको बताया था कैसे हम वेरिएबल्स के अंदर टेक्स्ट को स्टोर कर रहे थे और हमने एक डेटा टाइप भी देखा था स्ट्रिंग नाम का तो हम यार आज उसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे स्ट्रिंग कैसे काम करता है जावा के अंदर ठीक है तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे हम स्ट्रिंग्स बनाते हैं स्ट्रिंग्स को हम जब कोर्ड्स के अंदर लिखते हैं तो कैसे हम उसको एस्केप कर सकते हैं और साथ में हम कंकैटिनेशन और टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में देखेंगे ठीक है तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को बनाते कैसे हैं मतलब हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग तो यहाँ पे मैंने ब्राउजर खोल दिया है और जैसे कि मैंने बताया था हम कॉन्सोल के अंदर हमारा कोड लिख सकते हैं तो सबसे पहले मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कॉन्सोल खोल देता हूँ और यहाँ पे कोई कोड आ रहा है मतलब हमने यहाँ पे कॉन्सोल लॉक कर रखा था तो उसका एक कोड है तो इसको हम हटा देते हैं क्लियर फंक्शन की मदद से ठीक है तो कॉन्सोल हमने क्लियर कर दिया मतलब सारी चीज़ें अब मिट चुकी है तो अब हम इसके अंदर हमारा कोड लिख सकते हैं तो सबसे पहला काम हमको करना है हमको हमारा एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाऊँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट और स्ट्रिंग का नाम मैं रख रहा हूँ स्ट्रिंग ठीक है और इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे तो लिखते हैं हम दिस इज़ स्ट्रिंग ठीक है और उसके बाद में हमको डबल कोट्स को क्लोज करना होगा अब एक बात ध्यान रखना अगर आप सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एंड भी सिंगल कोट से करना है अगर हम डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको एंड भी डबल कोट से करना है ठीक है अब मैंने यहाँ पे सेमिकॉलन लगाया और एंटर किया तो ये हमारी स्ट्रिंग बन चुकी है अब इसको चेक करना हो तो हम स्ट्रिंग दबाएंगे और यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग आउटपुट हो रहा है अब एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि आ, हमको अगर इसका डेटा टाइप चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं हम लिखते हैं टाइप ऑफ और फिर हमारे वेरिएबल का नाम जो कि स्ट्रिंग है जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसने बता दिया कि भाई ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है अब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताता हूँ कि गलत स्ट्रिंग कैसी होती है मतलब कुछ हम बैड uh, स्ट्रिंग बना के देख लेते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा बैड स्ट्रिंग वन और इसमें मैंने लिखा दिस इज अ टेस्ट स्ट्रिंग ठीक है और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे एंटर कर लूँ तो आप देख सकते हो सिंटेक्स एरर हमको दिख रही है अब क्यों क्योंकि हमने कोई डबल या सिंगल कोट्स का यूज नहीं किया है तो जब भी हमको कोई स्ट्रिंग बनानी हो तो डबल और सिंगल कोट्स का हमें यूज़ करना होता है या फिर हम बैक टिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं तो उसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ बट नॉर्मली हम सिंगल या डबल कोट्स का यूज़ कर रहे होंगे और एक और एग्जाम्पल की मदद से अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ये बैड स्ट्रिंग वन बनाई थी तो इसको हम करते हैं टू और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट खोल देता हूँ और फिर अगर मैं एंटर करता हूँ तो भी ये इनवैलिड बता रहा है क्योंकि सिंटैक्स मिस्टेक यहाँ पे ये है कि हमारा जो कोट है वो एंड नहीं हुआ है तो शुरू ही नहीं करना है आपको साथ साथ में उसे एंड भी करना होगा ठीक है और अगर आपने मान लो कि स्टार्ट uh, नहीं किया और एंड कर लिया तो सिमिलरली यार वो सिंटेक्स भी हमारा गलत ही है और यहाँ पर भी हमें एरर दिखने वाली है ठीक है और एक और चीज़ यार अगर आपने जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपने एंड सिंगल कोट से किया है या फिर आपने स्टार्ट सिंगल कोट से किया है और एंड डबल कोट से कर लिया तो वो भी एक एरर आएगी है ना तो हमारा सिंटैक्स हमेशा सही रहना चाहिए और इन सारी चीज़ों के लिए अगर हम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर सिंपली हमको एरर शो कर लेगा नीचे अंडरलाइन हमारी आ जाती है तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और टेक्स्ट एडिटर से हमको बहुत वहाँ पर हेल्प मिलती है तो हमेशा ध्यान रखिए सिंटैक्स हमेशा, हमेशा हमारा सही होना चाहिए ठीक है ठीके? तो पहले हम देख लेते हैं क्यों हमें एस्केप करने की ज़रूरत पड़ती है और एस्केप का मतलब क्या है तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल कोट्स स्टार्ट किया है और लिखा है यू और फिर हमको यू हैव ऐसा चाहिए ए यू हैव और फिर हमको चाहिए कि हम आगे लिखें पूरी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से और फिर हमको यहाँ पे एंड करना है और अब अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो देखना यार ये हमारा एरर दे देगा अब मैं पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ और हम इसका नाम देते हैं बैड स्ट्रिंग ठीक है अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो हमारा एरर आ गया आप बोलोगे यार हमने स्टार्ट भी किया है यहाँ पे और हमने एंड भी किया है यहाँ पे तो हमारा सिंटैक्स तो सही है तो गलती कहाँ हो रही है तो बेसिकली आपने स्टार्ट यहाँ किया बात सही है बट यहाँ पे आपने बीच में यू हैव के लिए एक और सिंगल कोट लगाया है अब कंप्यूटर को नहीं पता यार आपको वहाँ एंड नहीं करना था बट हमको पता है कि वहाँ इसको एंड नहीं होना था तो अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे तो इसको ठीक करने के वैसे तो दो तरीके हैं बट सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ इसको हम कहते हैं एस्केप करना तो उसके लिए हम बैक स्लैश का यूज़ करेंगे और हम एस्केप के लिए डबल कोट और सिंगल कोट दोनों को एस्केप कर सकते हैं और मेरी मानो तो हमेशा आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर ही स्ट्रिंग को स्टार्ट करिए और बाद में हमेशा उसे एस्केप भी करिए तो एस्केप करने के लिए मैं यहाँ पे बैक स्लैश का यूज़ कर रहा हूँ और जैसे ही अब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये हमारी स्ट्रिंग बन चुकी है अब एक और तरीका ये है कि हम यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे इन सिंगल कोट्स को डबल कोट्स में अगर कन्वर्ट कर दे तो वो चीज भी पॉसिबल है लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा कोई भी अगर आप डबल कोट या सिंगल कोट किसी भी स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हो तो बैक स्लैश का यूज कीजिए ताकि हमारा जो सिंटेक्स है वो हमेशा एब्सोल्युटली करेक्ट रहेगा ठीक है तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ लेट और नाम मैंने दिया हेलो और इसके अंदर हम मैसेज डालते हैं हेलो और फिर एक्सक्लेमेशन डाल के इसके स्पेस डाल रहा हूँ अब स्पेस में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हमको मैनुअली बाद में बीच में स्पेस ना डालनी पड़े ठीक है तो ये हो गया हमारा हेलो और दूसरा मैंने यहाँ पे वेलकम नाम का एक और वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर हमने लिखा वेलकम अपना कॉलेज ठीक है तो यहाँ पर हमने बैक स्लैश का यूज़ किया है मतलब हमने हमारी जितनी भी अंदर की कोड्स थे उनको हमने एस्केप कर दिया ठीक है अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो ये हमारा स्ट्रिंग जो है वो बन चुका है अब हमको दोनों हेलो वेलकम टू अपनी कक्षा को साथ में आउटपुट करवाना है या फिर मान लो कि हमको दोनों को एक अलग स्ट्रिंग में स्टोर करवाना है तो कैसे हम कर सकते हैं उसे तो उस चीज़ को पहले हम कहेंगे कॉन्कैटिनेशन ठीक है तो एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ तो हेलो प्लस वेलकम हमको लिखना पड़ेगा उसके लिए और उससे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन से लोग एक्चुअली कौन से लोग लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है हम सीधा यहाँ पे हेलो प्लस वेलकम अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ रहा है हेलो वेलकम टू अपना कॉलेज ओके okay, अब सिमिलरली इसको अगर आपको स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल में तो यहाँ पर आपको लिखना होगा लेट और आपको लिखना है आउटपुट मैसेज जो कि इस वेरिएबल का नाम है और इसके बाद में यहाँ पर हमारा ये जो वेरिएबल है वो बन चुका है अब अगर मैं आउटपुट मैसेज को आउटपुट करवाता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो वेलकम टू अपना कॉलेज आउटपुट में अच्छे से दिख रहा है ठीक है तो ये तो हो गया कॉन्कैटिनेशन लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स uh, को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने सिर्फ दो वेरिएबल्स को कॉन्कैटिनेट किया है लेकिन आप चाहो तो इसके अंदर अलग अलग मतलब जितने चाहो उतने वेरिएबल्स को कॉन्टिनेट कर सकते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ठीक है अब इसका अगर मैं आउटपुट करूँ तो देखो ये आगे बढ़ता जा रहा है और जितना आप वेरिएबल्स को प्लस प्लस करके कॉन्टिनेट करोगे आ, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसके अंदर ठीक है और सिमिलरली एक और चीज़ आपको इसके अंदर, बीच में अगर कोई और स्ट्रिंग ऐड करनी है जैसे कि मैंने कहा था कि स्पेस अगर हमको बीच में ऐड करनी हो तो यहाँ पर हमने बहुत सारी स्पेस दे दी और उसके बाद में अगर मैं एंटर करूँ तो अब आप इसका आउटपुट देखोगे तो बीच में बहुत सारी स्पेस आ रही है तो क्योंकि जिस तरह से हम स्ट्रिंग्स को ऑनकेटिनेट करते हैं अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आ, हमने जैसे कि पढ़ा था कि एक तो नंबर डेटा टाइप होता है जिसमें हम नॉर्मली नंबर टाइप करके लिखते हैं एक होता है स्ट्रिंग्स जिसको हम डबल कोट्स और सिंगल कोट्स की मदद से लिखते हैं तो उसके अंदर का पूरा जो कंटेंट है वो हमारा स्ट्रिंग है लेकिन अगर हम इन दोनों को कॉन्कैटिनेट अगर कर दे मतलब नंबर और स्ट्रिंग दोनों को एक साथ अगर हम कॉन्कैटिनेट कर दे तो क्या होगा तो चलिए एक बार हम उस चीज़ को करके देख लेते हैं तो यहाँ पर एक मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग और फिर उसको प्लस किया और हमने लिखा वन हंड्रेड ठीक है तो अब यहाँ पे आप नीचे दे सक, देख सकते हो कि स्ट्रिंग वन हंड्रेड आ गया मतलब अगर आप कभी भी स्ट्रिंग के साथ में किसी भी नंबर को कॉन्कैटिनेट करोगे आपको कोई एरर नहीं दिखाएगा जावास्क्रिप्ट बल्कि वो उसको कॉन्कैटिनेट करके एक नई स्ट्रिंग बना देगा ठीक है तो यहाँ पे नंबर नहीं बनने वाला है हमारा स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही रहेगा और लास्ट में डेटा टाइप चेंज होके स्ट्रिंग में बदल जा रहा है ठीक है अब एक बार आप इस कोड का आउटपुट गैस कीजिए तो यहाँ पे हमने लिखा है 1967 और इन दोनों को हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया है तो अब आउटपुट में क्या आएगा हाँ आउटपुट में आएगा 1967 क्योंकि यार दोनों स्ट्रिंग थी और ऑब्वियसली यार अगर हम नंबर भी कर देते एक को तो भी हमारा ये जो स्ट्रिंग है वो कॉन्केटिनेट होकर एक नई स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता ठीक है बट अगर हम दोनों को नंबर में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एडिशन वहाँ वर्क कर रहा है क्योंकि हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑपरेटर फिर आ, काम करने लग जाता है जब भी हम नंबर्स uh, को प्लस करते हैं अब हम कुछ नंबर टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू नंबर के फंक्शंस देख लेते हैं मतलब हमने मान लो यहाँ पे एक स्ट्रिंग uh, बनाई है वन टू थ्री नाम की और अब आप चाहते हो कि इसको हम कन्वर्ट करें किसी नंबर के अंदर ठीक है तो यहाँ पे मैं पहले तो इसको स्टोर करवा देता हूँ एक स्ट्रिंग uh, के अंदर तो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर स्ट्रिंग और इसको हमने स्टोर करवा दिया ठीक है अब हमको इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर और फिर हम इसको ब्रेसेस के अंदर पास करवा देंगे तो यहाँ पे आपको दो ब्रेसेस खोलने हैं और इसके अंदर लिखना है नंबर जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नंबर स्ट्रिंग और इसको जैसे ही मैंने पास किया तो अब आप देख सकते हो नंबर स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट होके नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गया है मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप से अब वो नंबर में चला गया है ठीक है अब सिमिलरली अगर आपने स्ट्रिंग को नंबर की जगह नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह तो क्या होगा तो पहले तो मैं क्या करता हूँ ना इसको एक बार स्टोर करवा देते हैं इसी नंबर स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर और अब यहाँ पे हमारा नंबर स्ट्रिंग वेरिएबल को अगर हम चेक करें तो उसके अंदर एक नंबर पड़ा है, लिखना है, और आगे लिखना है तो यहां पे आप देख सकते हो हमारा आ, नहीं चल रहा है फंक्शन क्योंकि हमको कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं तो बड़ा से यार पहले कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं तो टू स्ट्रिंग लिखना है आपको और फिर ध्यान से दो कर्ली ब्रेसेस लगा दो और जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये चीज भी कन्वर्ट होके स्ट्रिंग के अंदर फिर से बदल गई है तो नंबर से स्ट्रिंग स्ट्रिंग से नंबर दोनों आप आसानी से एक फंक्शन को कॉल करके कर सकते हो ठीक है तो टेम्पलेट का क्या यूज होता है और क्यों हम इसको यूज करते हैं पहले मैं ये बता देता हूँ तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एस्केप करते हैं तो जब भी हमको डबल कोर्स या सिंगल कोर्स को बीच में यूज करना होता है तो अब मान लो कि आपको इस चीज से बचना है और आप कभी चाहते ही नहीं हो कि हम एस्केप करें तो उसके लिए आपको बैक्टिक्स का यूज करना होगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हम स्ट्रिंग्स के लिए सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स का यूज़ करते हैं लेकिन जब भी आपको टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करना है तब आप बैकटिक का यूज़ करो आप बैकटिक क्या होता है तो बेसिकली आप यहाँ एस्केप की के नीचे अपने कीबोर्ड में देखो तो एक इस टाइप का कैरेक्टर आपको दिख रहा होगा अब इस कैरेक्टर को आपको यूज़ करना है और इसके बीच में आप अपना जो भी अल्फ़ाबेट्स है वो लिखने वाले हो ठीक है और इसके अंदर हमको कॉन्कैटिनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हम जैसे वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट कर रहे थे प्लस प्लस का यूज़ करके उसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली हमको और साथ में यार जैसे कि मैंने आपको बताया था हम एस्केप करते हैं स्ट्रिंग्स uh, के अंदर डबल कोड सिंगल कोट्स को तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्यों और कैसे वो अभी हम देखते हैं तो दो केसेस बताता हूँ आपको एक तो हम नॉर्मली जैसे बना रहे थे अब तक उसको तो पहले बना के देख लेते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट और फिर हम वो जो आउटपुट मैसेज जो वेरिएबल हमने ऊपर बनाया था उसी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और फिर हम इसके अंदर स्ट्रिंग लिखेंगे तो बेसिकली यार ऊपर मैंने हेलो वर्ल्ड करके एक मैसेज बनाया था यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो और वेलकम ठीक है तो इसी को मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ तो हेलो में हमने एक स्ट्रिंग रखी थी और साथ में यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम और इसके बाद में हम यहाँ पे अगर और कुछ यूज़ करना चाहें जैसे कि मान लो आ, यहाँ पे तो आ गया हेलो वेलकम टू अपनी कक्षा एंड यहाँ पे हम एक और स्ट्रिंग डाल रहे हैं योर कोर इज़ और फिर हम इसके अंदर पर के इस वेरिएबल को उनकेटिनेट कर देते हैं ठीक है यहाँ पे लिखा है हमने हेलो एंड वेलकम टू अपनी कक्षा योर स्कोर इज़ वन टू थ्री ठीक है तो कुछ इस टाइप से हमारा आउटपुट आना चाहिए अगर हम इसको सेव करते हैं तो अब मैं आउटपुट मैसेज को आपको दिखा देता हूँ आउटपुट करके यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हो पहले तो स्पेस नहीं है तो उसके लिए आपको यहाँ पे बीच में स्पेस डालनी पड़ेगी लेकिन अगर आप इसको एक बेटर वे में यानी ओवर पावर्ड वे में अगर मैं कहूँ अगर ऐसा आप कुछ करना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे टैम्पलेट लिटरल्स का ठीक है तो उसके लिए हम दो बैगटिक्स खोल देते हैं सबसे पहले और फिर जब भी आपको एक वेरिएबल का यूज करना है इसके अंदर तो आप लिखोगे डॉलर साइन फिर कर्ली ब्रेसेस करली ब्रेसेस दो खोलने आपको और इसके अंदर आपको वेरिएबल्स के नाम लिखने तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ हेलो और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं आगे एक स्पेस देके अब यार क्योंकि हमने हेलो के अंदर ऑलरेडी एक स्पेस दे दी थी ऊपर तो मैं एक और स्पेस नहीं दे रहा हूँ फिर से हम एक और आ, यहाँ पे वेरिएबल को जोड़ते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर भी प्लस करके लिख सकते हो आ, तो यहीं पर हम लिख देते हैं वेलकम और फिर हमारा जो तीसरा आ, टेक्स्ट था जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था योर स्कोर इज़ उसको हम आगे यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हैं और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे बीच में हमारी स्पेस नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं दिखी थी क्योंकि हमको पूरा आउटपुट अच्छे से नहीं दिख रहा था लेकिन यहाँ पे आप आउटपुट आराम से इमेजिन कर सकते हो और ये काफ़ी इजी वे है बजाय कि आप एस्केप uh, करो स्ट्रिंग्स के अंदर कोट्स को और वेरिएबल्स को कंकैटिनेट करो तो वो थोड़ा सा कमरसम uh, और हार्ड हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर हमने लिखा योर स्कोर इज और फिर फिर से हमको वही वेरिएबल डालना है तो हम वापस से ये खोलेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे नंबर स्ट्रिंग ठीक है तो अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वेलकम टू अपना कॉलेज योर स्कोर इज वन टू थ्री तो ये हमारा आउटपुट अच्छे से आ रहा है अब इसकी पॉसिबिलिटी एंडलेस है मतलब आप इसके अंदर ऑपरेशंस भी करा सकते हो जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो करवाना चाहो आप इसके अंदर करवा सकते हो और वो हम टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं ठीक है तो बस यार कुछ इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं जावा के अंदर तो बस यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि जावा सीखना चाहते हैं और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए या हैव अ ग्रेट डे एंड आई शॉर्टली कैच यू इन द नेक्स्ट वन हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अपना कॉलेज और आज की शानदार वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स से कुछ बहुत ही मेथड्स के बारे में तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने स्ट्रिंग्स को अच्छे से कवर कर लिया था तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन या फिर मैं तो methods जो प्री डिफाइंड है के अंदर उनके बारे में पढ़ेंगे और इन फंक्शन की मदद से हम बहुत ही यूजफुल ऑपरेशन कर सकते हैं जैसे कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ अगर आपको जाननी हो तो आप जान सकते हो आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हो एक स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हो और कौन से इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर पड़ा है ये सब जान सकते हो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो अलग अलग मेथड्स या फिर फंक्शंस को यूज करके तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड तो अगर आपको नहीं पता है तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि जावा के अंदर होती है जैसे कि हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट होती है तो जब भी हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बन जाता है अब ये ऑब्जेक्ट क्या है वो अभी मैं एक दो वीडियो के बाद में अच्छे से कवर करूंगा तो आपको वहां पे सब कुछ समझ आ जाएगा लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि हम अगर कोई एरे बना रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर या फिर कोई स्ट्रिंग बना रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर तो वो एक ऑब्जेक्ट है ठीक है और क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग मेथड्स दे सकते हैं और फिर हम उनको यूज कर सकते हैं ना तो यहाँ पे क्योंकि एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस जावास्क्रिप्ट ने हमको दे रखे हैं तो हम इस वीडियो के अंदर उन सारे फंक्शंस को ही कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूँ जो कि है लेंथ तो लेंथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप अपने स्ट्रिंग की लेंथ पता कर सकते हो तो चलिए इसे यूज करके देख लेते हैं तो यहाँ पे मैंने कोड एडिटर खोल दिया है और इसके अंदर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना देता हूँ और नाम हम इसका रखने वाले हैं फेवरेट शो ठीक है तो मैं एफ ए वी एस एन शो डब्ल्यू कर रहा हूँ और हम इक्वल टू में लिखते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स ठीक है तो इसके बाद में हम क्या करेंगे इसकी हमको लेंथ पता करनी है अब अगर मैं इसकी लेंथ देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन ठीक है तो फिफ्टीन कैरेक्टर्स का या फिर हम लेंथ कहें तो उसका ये वेरिएबल है ठीक है अब अगर हमको इसको पता लगाना हो कि कितने कैरेक्टर्स uh, है इसके अंदर तो हम लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग और फिर हम देखते हैं कि कितनी यहाँ पे uh, इसकी लेंथ हमको यहाँ पे लेंथ uh, प्रॉपर्टी की मदद से दिख रही है तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पेव शो और डॉट जैसी हम लगाते हैं तो यहाँ पे पहले तो सारे आपके मेथड्स जितने भी हैं वो यहाँ पे एक लिस्ट में दिख रही है आपको और ये वी एस कोड के प्लगइन की मदद से होता है ठीक है तो अब हमको लेंथ प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने लेंथ के ऊपर हवर uh, किया तो ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि ये एक प्रॉपर्टी है और इससे क्या होता है वो भी हमको बता देगा अब पहले तो मैं इसको एंटर दबा देता हूँ और जैसे आप इसके ऊपर हवर करोगे तो ये बता देगा रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ठीक है तो यहाँ से आपको समझ में भी आ जाएगा कि यार ये तो एक ऑब्जेक्ट है मतलब फैव शो एक ऑब्जेक्ट है और वो एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर से हमको ये लेंथ पता करके दे रहा है और हमने लेंथ पता करी तो यहाँ पे आप, आप आउटपुट में भी देख सकते हो फिफ्टीन हमको लिखा आ रहा है तो ये थी हमारी लेंथ प्रॉपर्टी ठीक है अब नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी कैरेक्टर को देख सकते हैं उसके इंडेक्स के हिसाब से तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडेक्स क्या होता है तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसकी लेंथ है 15 ठीक है अब आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो बड़ा जी आपको दिख रहा है जो कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है ठीक है अब आपको अगर इसको रिट्रीव करना है यानी इसको देखना है तो आप क्या करोगे आप यहाँ पे लिखोगे फैव शो और उसके बाद में एक ब्रैकेट खोलोगे अब तो ब्रैकेट्स क्या होता है तो प्रोग्रामिंग के अंदर यार तीन तरह की चीज़ें होती है एक तो होता है ब्रेसेज जो कि ये है दूसरे होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स जो कि ये है और तीसरे होते हैं ब्रैकेट्स जो कि ये है और इसको हम बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं तो बॉक्स ब्रैकेट आपको यहाँ पे खोलना है इसके अंदर आपको लिखना है जो भी इंडेक्स है तो इंडेक्स का मतलब क्या है तो बेसिकली कहाँ पे आपका वो कैरेक्टर पड़ा है उसको मैं एक इंडेक्स कह रहा हूँ तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर आपका ये कैरेक्टर है तो इसका इंडेक्स हो गया वन ठीक है अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोग्रामिंग के अंदर होती है तो हमारे जितने भी इंडेक्स नंबर्स हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं तो बेसिकली अगर आपको ये देखना है कि फैव शो का फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा आप वन नहीं लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे ज़ीरो अब जैसे ही मैंने ज़ीरो लिखा तो यहाँ पे हमको दिखा देगा कि जी यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है अब क्योंकि मैंने यार यहाँ पे कौनसोल लॉग नहीं करा है इसलिए हमको ये आउटपुट में नहीं दिख रहा है तो पहले तो मैं इसको कॉन्सोल लॉग कर लेता हूँ जिससे कि हमको अच्छे से एक बार आउटपुट दिख जाए और जैसे ही मैंने कॉन्सोल लॉक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आउटपुट साइड में आ रहा है जो कि है जी अब एक और चीज़ हम इसके अंदर देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉक किया और इसके अंदर अगर हम फेव शो लिखे और उसके बाद में क्योंकि ये फिफ्टीन लेंथ का हमारा पूरा स्ट्रिंग है तो इसके अंदर अगर मैं फिफ्टीनथ पोजिशन पे देखना चाहूँ कि क्या पड़ा है तो हम कैसे देखेंगे उसके लिए हमको फिफ्टीन नहीं लिखना है हमको फिफ्टी माइनस वन लिखना है क्योंकि फिफ्टीन लास्ट पोजीशन है और हमारी गिनती यहाँ पे वन से नहीं शुरू हुई है वो ज़ीरो से शुरू हुई है तो हमको यहाँ पे फोर्टीन लिखना पड़ेगा तब जाके हमारा एस जो कि लास्ट में पड़ा है वो आउटपुट में आएगा एक और चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे आप फेव शो की पूरी लेंथ लिख सकते हो जो कि फोट फिफ्टीन है और उसके बाद में माइनस वन अगर आप करोगे तो आपका एस आ जाएगा क्योंकि आपने डॉट लेंथ लिखा जिससे फिफ्टीन आ गया और फिफ्टीन माइनस वन फोर्टीन होता है तो यहाँ पे हमारा इस तरह से भी आप लास्ट का जो कैरेक्टर है वो देख सकते हो नेक्स्ट अगर हमको किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड को देखना है कि यार वो वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मतलब कौन सी पोजिशन से वो स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं हम इंडेक्स ऑफ एक मेथड है उसका यूज कर सकते हैं तो मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ कॉन्सोल डॉट यहाँ पे लॉक करते हैं और इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूँ फेव शो और फिर हम यहाँ पे इंडेक्स ऑफ का यूज करेंगे ठीक है अब इंडेक्स ऑफ के अंदर हमको क्या लिखना होगा तो बेसिकली अगर मैं इसके अंदर आ, बेसिकली फेव शो के अंदर एक वर्ड को ढूंढ रहा हूँ जो कि ये ऑफ ऑफ कहाँ पे है ये हमको यहाँ पे आउटपुट करके बता दिया तो फिफ्थ पोजीशन पे हमारा ऑफ है तो गेम चार अल्फ़ाबेट्स का है पाँचवें अल्फ़ाबेट है हमारा स्पेस और छठवे से स्टार्ट हो जाता है हमारा ऑफ़ तो जैसे है कि यहाँ पे आप देख सकते हो फिफ्थ पोजीशन या फिर यानी हम कहें तो फिफ्थ इंडेक्स क्योंकि हमारा जीरो से इंडेक्स शुरू हो रहा है तो जीरो वन टू थ्री फोर फिफ्थ से ऑफ स्टार्ट हो रहा है ये चीज हमको इंडेक्स ऑफ से पता चल जाती है तो यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो कि रिटर्न द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्ट्रिंग का मतलब हुआ कि इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर कोई छोटा सा स्ट्रिंग का पार्ट यानी सब स्ट्रिंग पोजिशन ये यहाँ पे हमको रिटर्न करके दे देगा और सिमिलरली अगर मैं इसका जस्ट ऑपोजिट एक चीज देखूँ जैसे कि हम फिर से एक कौंसल लॉक करवा के देखते हैं और यहाँ पे हम इस बार यूज करेंगे फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है स्लाइस तो स्लाइस से क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं तो स्लाइस से बेसिकली हमको एक सेक्शन मिल जाएगा स्ट्रिंग का यानी सब स्ट्रिंग हमको मिल जाएगी रिटर्न वो ऑटोमेटिकली कर देगा अब यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करवाना चाहता हूँ फिफ्थ पोजीशन से यहाँ पे हमारा ऑफ स्टार्ट हो रहा है तो फिफ्थ से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है सेवन पे तो जैसे कि मैंने फाइव कॉमास सेवन लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफ हमारा आउटपुट में आ रहा है तो फिफ्थ पोजिशन और सिक्स पोजीशन यहाँ पे हमको स्लाइस करके आउटपुट में हमको मिल गई इससे ठीक है ना तो आप समझ रहे होंगे स्लाइस का मतलब क्या है हमको सब स्ट्रिंग वो रिटर्न कर रहा है इंडेक्स के पोजीशन के हिसाब से ठीक है अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर रहे हैं हम एक और वेरिएबल बनाते हैं और इस वेरिएबल का नाम मैं रख रहा हूँ एस आर के और फिर हम एक स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं आई इज़ आन ठीक है और अब मैं क्या चाहता हूँ ना बेसिकली हम इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है तो हमको क्या करना है टू अपर केस यहाँ पे इस मेथड को यूज़ करना है अब जैसे ही मैं इसको यूज़ करूँगा हमारे ये जो मेथड है वो आउटपुट में सेम स्ट्रिंग को अपर केस में करके दे देगा रिटर्न ठीक है अब अगर मैं इसको आउटपुट कराना चाहता हूँ तो फिर से हमको कॉन्सोल लॉग का यूज़ करना है तो यहाँ पे फिर से मैंने किया कॉन्सोल लॉग और हमने यहाँ पे इसको तो कर दिया एंड अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो माई नेम मिस खान अपर केस के अंदर आउटपुट में आ रहा है सिमिलरली अगर मेरे को इसको लोअर केस में करना है तो मैं क्या करूँगा मैं वहीं पर टू लोअर केस लिख दूंगा अब जैसे मैंने लोअर केस में किया यहाँ पे देख सकते हो सेम चीज़ हमको यहाँ पे लोअर केस में रिटर्न करके दे दी तो ये तो हो गए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथड्स जो कि हम स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए सीआ है ग्रेट डे एंड आई विल श्योर्टली कैचअ इन द नेक्स्ट वन